लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम लोग पार्क में आए हैं। ये पार्क की न्यूज़ हमने पहले भी दी थी, हालांकि वो एक हफ्ते पहले की न्यूज़ थी, जब अंधेरा था, रात को आए थे, रात को हमने लाइट वाइट सारी चीज़ें देखा था। तो अभी मैं दिन में इसलिए आया हूँ यहाँ पर एक बार, और क्योंकि दिन में ठीक तरीके से आप लोग यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि ये पार्क है और उधर थोड़ा नज़र डालेंगे तो वो तालाब है, उधर तालाब बोलते हैं उसको, सारी क्षेत्र में आता है। ये सामने आप देखेंगे तो मरोदा है। और इस पार्क की खासियत बताऊंगा आपको, ये पार्क की खासियत ये है कि एक साल पहले खुल गया, लेकिन काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ बोलते, क्योंकि खंभे लग चुके हैं लाइट के, आप देख सकते हैं बल्ब वल्ब सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जलती नहीं है। ये इतिहास का पहला पार्क है ऐसा जिसमें एक साल हो गए, खंभे लग गए, लाइट लग गई, सारी चीज़ें, एक लाइट जल भी रही है, शायद आप देख रहे हैं, देखिए दिन में जल रही है लाइट, लेकिन रात को लाइट नहीं जलती, शायद इसलिए नहीं जलती क्योंकि यहाँ पर जो नशा पट्टी वाले लोग हैं उनके लिए पार्क बनाया गया है, लग ऐसे ही रहा। उधर साइड आप ध्यान देंगे तो तालाब है, बहुत फेमस तालाब है, बहुत पुराना तालाब है, वहाँ महिलाएँ नहाती हैं। तालाब का भी हमने खास आपको दिखाया था क्या हाल था, ठीक है। ये पूरा जो क्षेत्र है एक साल से बन गया है, सारी चीज़ हो गई है, अगर इसको स्टार्ट करना चाहे ठीक तरीके से बना के स्टार्ट किया जा सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर नेताओं को पैसा खाने में बड़ा मज़ा आता है। एक पार्क या एक तालाब, वहाँ पर चार चार वार्ड के जो पार्षद हैं वो अपना ठेका या अपना हिस्साबाजी लेने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन जहाँ उनकी जवाबदारी की बारी आती है सब पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही है, सामने 13 से 14 वार्ड है, नरोदा में हालाँकि मेरी साली में है। अब आगे थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा तो आगे में मंदिर है, और तालाब का लास्ट टाइम बनाए थे हमने, तालाब को भी दो उसमें पाटा हुआ है। अगर तालाब के उधर साइड आपको जाना है तो कोई रास्ता नहीं है, कूद के आपको जाना पड़ेगा वहाँ से। छत्तीसगढ़ जो सरकार है, राज्य सरकार जो है, वो पार्कों की तालाबों के इस नाम से बहुत फेमस है, बहुत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है ना तो महापौर जानते हैं, ना तो विधायक जानते हैं, ना तो सांसद जी जानते हैं। हालांकि भिलाई दुर्ग के सांसद जी बीजेपी के हैं, शहरी सरकार और विधानसभा में यहाँ कांग्रेस की सरकार है, ये एक बहुत बड़ा विवाद बना रहता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई जवाबदारी नाम की चीज़ नहीं है। तो इस पार्क का थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखा दूँगा, और हमारे साथ आप बने रहिए। साथियों, पार्क के अब थोड़ा आगे आ गए हम लोग, यहाँ पर केयर टेकर वाले भैया हैं शायद पार्क के, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भैया जी नमस्कार, आप यहाँ केयर टेकर हैं? पानी डाले नाम से लगे हैं। अच्छा, आपका काम पेड़ों में पानी डालने का है ना? और मैं ये पूछ रहा था क्या हाल है यहाँ, लाइट वाइट जलती है आपकी? नहीं। क्यों नहीं जलती? नहीं जलता, बंद हम लोग बंद करके रखते हैं। पासर नहीं नहीं, जो यहाँ का ठेका है कौन, किसका ठेका है? ये मेरे पता नहीं भाई, मेरे दिन हो रहा है, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र। अच्छा, तो दिन में आप कितनी देर रहते हैं? मैं 9 बजे 5 बजे तक रहूँगा। अच्छा, 5 बजे तक रहेंगे, और कहाँ रहते हैं? रहना कहाँ होता है? सामने। अच्छा, आप पूछे नहीं क्या एक बार, आपको वही तो रखे होंगे, ठेकेदार रखा है, वो ठेकेदार मुझे नहीं जानता, यहाँ पे आया बोलता है मैं आपको 200 रुपये रख दूँगा। अच्छा, पानी भर डाल दें, आपको कोई काम नहीं करना। अच्छा, ठेकेदार कौन है? वो भी नहीं जानता, मैं बता रहा हूँ, आया भी नहीं है रोज, आज तीसरा दिन है, आया भी नहीं, ये बस आपको लगा के चला गया, जिस दिन लगाया उस दिन चला गया, पेमेंट महीने आने से पहले आपका पेमेंट मिल जाएगा। 200 रुपये रोजी ना? अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, यहाँ रात को असामाजिक तत्व वगैरह आते होंगे, नशा पानी करते होंगे? हाँ, नशा पानी तो करता हूँ, देख सीसी पड़ा पड़ा है अभी, इतना सीसी पड़ा, ये सब खाया पिए हैं, तालाब भी है यहाँ तो खाते हैं, है ना, सब यहाँ बैठ के सीसी खाते हैं, अभी में और है, बाकी हम रात में नहीं। हाँ, आपको लगता है ना जलना चाहिए लाइट जल्दी? नहीं जलेगा तो और ज़्यादा अच्छी होगा, लोग आएंगे ना घूमने का, कहाँ घूमने, अभी चीज़ क्या चीज़ घूमेंगे रात में, यहाँ तो पीने खाने वाला जुआ जाड़ी वाले आते हैं। काम चल रहा है यहाँ अभी बनने का? ये बनाना है कि नहीं बनाना है लोगों? ये मैं नहीं जानता, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आ रहा है घास वहाँ से लगा रहा है उसमें, उसमें पानी डाल रहा हूँ अभी भी चालू है। क्या नाम बताया अपना? रामचंद्र। तो साथियों, आप देखिए
यहाँ भैया थे, रामचंद्र भैया थे, इनका काम था पेड़ों में पानी लगाने का। और 3 दिन हुआ है इनको यहाँ रहते हुए, यहाँ ठेकेदार ने उनको लगाया है 200 रुपये रोजी में। तो आगे और चलते हैं, आगे और जानते हैं, प्रयास करते हैं। क्या हुआ है, 1 साल हो गया, लेकिन कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। राज्य सरकार, भूपेश सरकार पार्कों के नाम से वोट ले रही है लगातार और जोर शोर से प्रचार कर रही है। आगे और देखिए, तो साथियों अभी मैं आपको पार्क घुमाया, उधर साइड कैमरा करेंगे तो आप देख सकते हैं व्यू साफ साफ। शीतला तालाब का सबसे पुराना, काफ़ी पुराना तालाब है, यहाँ लोग नहाते हैं, उसके अलावा पूजा करते हैं, छठ की पूजा होती है, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, वोट लेने के लिए ही आते हैं, पूजा के नाम से देख के जाते हैं। और ये 1 साल हो गया, मतलब 2 छठ निकल गए पार्क क्यों को बनने के बाद भी। लाइट लग गई, सारी चीज़ हो गई है, लेकिन लाइट जलती नहीं है। ये ऐसा पहला पार्क है इतिहास का मेरे ख्याल से, 1 साल हो गया लेकिन लाइट जल ही नहीं रही, एकदम नया। इसमें बताते हैं, इस पार्क में काम अभी भी जारी है, चल रहा है, लेकिन जिसको नशा पानी करना है वो रात को आ सकता है, हर प्रकार का नशा कर सकता है, कोई भी प्रकार का। उस दिन लास्ट टाइम आपको दिखाया है, उन्होंने कुछ लोग बैठे हुए थे, हर तरह का नशा होता है। तो शायद ये पार्क उन्हीं लोग के लिए बनाए हैं, आम लोग के लिए नहीं बनाए हैं, उनको भी वादा किया होगा बघेल सरकार ने शायद। तो मेरा ये है कहने का कि जब आप वोट लेते हो आम लोगों से और बोलते हो पार्क के बारे में बखान करते हो, आपने सीख लिया है मोदी जी की तरह प्रचार प्रसार करना कैसे करना है कागजों में, तो मेरे ख्याल से काम भी होना चाहिए। वरना आगे अगले साल चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें आपको जाना है, बढ़ना है, केवल भाषणों से नहीं होता, काम भी होना चाहिए। आगे इसी कड़ी में हम आपको और भी पार्कों का बारे में डिटेल आपको देंगे। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह मरुदा टंकी से आपसे विदा चाहता हूँ इस रिपोर्ट के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार दोस्तों।